Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do Unit 1 Psychoanalysis, Psychodynamic and Psychotherapy of Block 2, Group B, MPCE 021, Counseling Psychology. Friends, this is first unit of Block 2. इस चैप्टर में मैं सब सेक्शंस में वीडियोस बनाने जा रही हूँ, जिसमें इस चैप्टर के आपको 4-5 वीडियोस मिल जाएंगे. फर्स्ट वीडियो जो है वो है साइकोथेरेपी. सो आज हम सिर्फ ये जानेंगे कि व्हाट इज साइकोथेरेपी. सिंस अभी एट प्रेजेंट मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है मीडिया में, सो आई थॉट कि सबसे पहले हम इसी टॉपिक को लेकर वीडियोस बनाएं सो दैट हमारी अवेयरनेस बढ़ जाए. सो लेट स्टार्ट विद साइकोथेरेपी. साइकोथेरेपी जो होती है ये बहुत सारे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का एक ग्रुप है जो एक ट्रेंड प्रैक्टिशनर ही फॉलो करता है उन लोगों के ऊपर जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है. ये जो ट्रीटमेंट होता है इसमें बहुत सारी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं और साइकोथेरेपिस्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड होता है इसमें. जो क्लाइंट होता है वो जनरली अपनी प्रॉब्लम को बोल के बताता है कि उसको प्रॉब्लम क्या है, और ट्रेडिशनली ये फोकस करता है उन सीरियस प्रॉब्लम्स के साथ जो साइकिक प्रॉब्लम होती है या फिर इंटरनल या पर्सनल इश्यूज होते हैं या कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो इंसान के अंदर चल रहे होते हैं, उन पे ज़्यादा जोर दिया जाता है इसमें. ये एम्फेसाइज करता है इन इश्यूज पे. हम साइकोथेरेपी में पास्ट पे ज़्यादा काम करते हैं एज कम्पेयर टू प्रेजेंट. हम इनसाइट का पे मोर जोर देते हैं कि कितना ज़्यादा हम अंदर की सोच उसकी चेंज कर सकते हैं. हम थेरेपिस्ट के ऊपर इस बात पे ध्यान रखते हैं हम सारे थेरेपिस्ट कि हम ज़्यादा अटैच ना हो जाएं क्लाइंट से, और जो थेरेपिस्ट का रोल जो है हमें इस तरह से प्ले करना है जैसे हम एक्सपर्ट हैं. इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना होगा. साइकोथेरेपी जो है ये सिस्टमैटिक इंटरेक्शन होता है थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच में जो कुछ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, जहाँ पे जो भी हम प्रिंसिपल फॉलो करते हैं वो क्लाइंट के थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना चाहिए, वरना हमारा प्रिंसिपल यूज़ करने का फ़ायदा कोई नहीं है. तो ये हेल्प करता है क्लाइंट को कि उसके एबनॉर्मल बिहेवियर या फिर एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स हैं नॉर्मल लाइफ लिविंग में, उसको वो ओवरकम कर सके एबनॉर्मल बिहेवियर को और प्रॉब्लम्स को. और ये जो इंटरेक्शन है ये थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच में होता है. इसमें हम सिर्फ जो इंटरेक्शन है वो सिर्फ वर्बली नहीं होता, यानी सिर्फ मुंह से बोलकर नहीं, हम क्लाइंट के फेशियल एक्सप्रेशंस पे भी ध्यान देते हैं, उसके बॉडीली जेस्चर्स पे ध्यान देते हैं, उसका मूवमेंट कैसा है उस पे भी ध्यान देते हैं. और ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होती है जो रिकंस्ट्रक्टिव चेंजेस लाता है, मतलब कि जो अच्छे पॉजिटिव चेंजेस हैं वो लाता है. तो साइकोथेरेपीज जो होती हैं उसका जो पूरा प्रोसीजर होता है वो इंसान के मेंटल डिसऑर्डर पे बेस्ड होता है कि उसको प्रॉब्लम क्या है, साइकोलॉजिकली क्या इशू चल रहा है, और एक ट्रेंड साइकोथेरेपिस्ट ही हेल्प कर सकता है इन चीज़ों में चेंज लाने के लिए. चेंज कहाँ कहाँ आ सकता है? बिहेवियर में आ सकता है, थॉट्स में आ सकता है, इमोशंस में आ सकता है, और वो अच्छे से अपने रियल लाइफ में फंक्शन कर सकता है. पेशेंट अपने सारे सिम्टम्स को खुद मैनेज कर पाएगा उसके बाद, और हर एक लाइफ की जो भी समस्याएं हैं उसको डील कर पाएगा. बहुत सारी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं मेंटल हेल्थ की, और इमोशनल एंड साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स जो हैं इन सबको हम हैंडल करते हैं साइकोथेरेपी में, और इंडिविजुअल को ये समझने में हेल्प करते हैं कि कब वो पॉजिटिव फील करता है, कब वो एंग्शियस फील करता है, कब कौन सी सिचुएशंस और कौन से चीज़ें उसकी उसको एक्सेप्ट करनी है अपने अंदर, और कौन से उसके वीक पॉइंट है, कौन से स्ट्रांग पॉइंट है, वो सारे. नाउ कमिंग टू एसेंशियल्स ऑफ साइकोथेरेपी. साइकोथेरेपी में क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना होगा? फर्स्ट इज सिस्टमैटिक इंटरेक्शन. जो क्लाइंट और थेरेपिस्ट जो है उनका जो इंटरेक्शन है वो सिस्टमैटिक होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर्ड इंटरेक्शन होना चाहिए जिसके बहुत सारे पॉइंट्स हमें ऑलरेडी सिखाए जा चुके हैं कि हमें किस तरह से क्लाइंट से इंटरेक्ट करना है. और बेसिकली जब भी हम इंटरेक्ट करते हैं हमें कुछ चीज़ों पे ध्यान देना होता है, जैसे कि क्लाइंट का कल्चर कैसा है, उसका सोशल बैकग्राउंड कैसा है.
नेक्स्ट पॉइंट है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स. साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स जो साइकोथेरेपी है ये इन्हीं प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होती है, और जो जितनी भी थ्योरी और रिसर्चेज हैं उसकी नॉलेज होना साइकोथेरेपिस्ट को बहुत ज़रूरी है. और जैसे कि जो एरियाज जिसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए वो है पर्सनैलिटी, लर्निंग, एबनॉर्मल बिहेवियर, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए. नेक्स्ट जो पॉइंट हमें ध्यान में रखना होता है साइकोथेरेपी में, थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर ऑफ द क्लाइंट. कैसे क्लाइंट का साइकोथेरेपी उसके इन तीनों चीज़ों पे कैसे असर डालेगी, उसके थॉट्स पे कैसे असर डालेगी, फीलिंग्स पे कैसे डालेगी और बिहेवियर पे कैसे डालेगी. नेक्स्ट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स एंड पर्सनल ग्रोथ. तो सिर्फ साइकोथेरेपी एक मेंटल डिसऑर्डर वाले पेशेंट के लिए नहीं होती, ये बाकी लोगों के लिए भी होती है जिनको अपनी पर्सनैलिटी चेंज करना है, पर्सनल ग्रोथ करनी है, या उसको एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है, या उसको शाइनेस की प्रॉब्लम है, या कुछ इश्यूज चल रहे हैं, उन सारी चीज़ों को साइकोथेरेपी डील कर सकती है. साइकोथेरेपी को हम टॉक थेरेपी भी बोल सकते हैं, और ये साइकोलॉजिस्ट और बाकी प्रोफेशनल भी अलग अलग तरीके से इसको यूज़ करते हैं. इसका जो यूज़ है ये वेरी करता है, बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं इसको यूज़ करने के लिए. ये इंडिविजुअली भी यूज़ किया जा सकता है और ग्रुप में भी यूज़ किया जा सकता है. जो स्टाइल्स और टेक्निक्स जो इसमें हम यूज़ करते हैं साइकोथेरेपी में वो ये हैं, साइकोडायनामिक साइकोथेरेपी, कग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जिसे CBT भी कहते हैं, ग्रुप थेरेपी एंड कपल्स थेरेपी, ये सारी इसी के अंदर आती हैं. ये कुछ थेरेपीज़ हैं, हमारे पास और भी बहुत सारी थेरेपीज़ हैं, और ये वेरी करती है कि कौन कौन से पर्सपेक्टिव्स को हमें कवर करना है, क्या क्या इश्यूज़ को हमें कवर करना है. सो ये फ्रेंड्स मैं आपको बता रही थी साइकोथेरेपी के बारे में. सो दिस वॉज द फर्स्ट सब सेक्शन ऑफ यूनिट 1, psychoanalysis, psychodynamic and psychotherapy. I hope this video would be useful to you, and do not forget to like my video, subscribe my channel and share my videos with other people. Thanks for watching. Take care. Bye-bye.